सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स इंडिया में 92.43% जो इंडियंस है वो अभी भी प्रीपेड सिम यूज कर रहे हैं एंड जस्ट 7.57% लोग हैं जो पोस्टपेड सिम यूज कर रहे हैं। बट चीजें कहाँ पे इंटरेस्टिंग होती हैं जब हम मेट्रो सिटीज के नंबर देखते हैं। मेट्रो सिटीज में पोस्टपेड सिम यूजर्स बढ़ जाते हैं एंड इंक्रीज होकर जाते हैं 22.41%। अगर हम प्रीपेड यूजर्स को देखें मेट्रो सिटीज में तो ये घट के हो चुके हैं 77.59%। सो ऐसी क्या चीज है जो मेट्रो सिटीज के लोगों को पता है और वो पोस्टपेड सिम बाय कर रहे हैं जो और सर्कल्स के लोगों को नहीं पता, क्योंकि और सर्कल्स में जो पोस्टपेड सिम का नंबर है वो बहुत ज्यादा कम है कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज। तो इस वीडियो में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं पोस्टपेड यूजर को एंड क्या आपको पोस्टपेड यूजर बनना चाहिए, एंड मैं आपको कई हद तक कन्विंस भी कर दूंगा इस वीडियो के एंड तक कि आप पोस्टपेड यूजर बन जाओ। सो गेट रेडी टू बाय योर न्यू पोस्टपेड सिम। तो सबसे पहले इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं क्यों मेट्रो सिटीज के 22.41% लोग पोस्टपेड सिम को प्रेफर कर रहे हैं। तो अगर हम सारे पोस्टपेड यूजर्स को देखें तो उसमें जो 76% पोस्टपेड यूजर्स हैं वो कॉर्पोरेट यूजर्स हैं, मतलब उन्हें सिम कंपनी ने दिया है या कंपनी के सिम है या किसी ने बिजनेस पर्पज के लिए सिम लिया है। अब आप बोलोगे कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो वो महंगा सिम क्यों लेगा, क्योंकि प्रीपेड सस्ता है पोस्टपेड से। एंड अगर आपको बिजनेस करना है तो आप देखते हो कि आपको सबसे चीपेस्ट अल्टरनेटिव मिले किसी भी चीज़ का ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सको। तो क्यों ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को एक पोस्टपेड सिम दे रही हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि पोस्टपेड में आपको मिलता है बिल। एंड अगर आप बिजनेस ओन करते हो तो आपको ये चीज पता होगी कि बिल कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं अगर आपको टैक्स सेविंग करनी है तो। सो ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, या आप छोटी कंपनीज की बात कर लो या लोकल बिजनेस की बात कर लो, इनके लिए बिल काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं अगर इन टैक्स सेव करना है तो। सो यहाँ पे बिल आपको बस पोस्टपेड सिम में मिलता है, प्रीपेड सिम में नहीं मिलता। आपने देखा होगा आप रिचार्ज कराते हो कोई भी बिल नहीं आता, बस आप पैसे देते हो एंड आपका रिचार्ज हो जाता है। सो पोस्टपेड कनेक्शन का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें आपको बिल देखने को मिलता है। एंड सेकंड बेनिफिट ये है कि आपको पता लगता है कि कॉल कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, आपके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है। सो कंपनीज को पता होता है कि इनके एम्प्लॉयज अपने पर्सनल यूज के लिए तो नहीं यूज कर रहे सिम। सो यहाँ पे ये सब चीज़ों की वजह से बिजनेस में आपको ज़्यादातर पोस्टपेड सिम देखने को मिलता है। अगर आप भी कोई बिजनेस ओन करते हो और आप अपने एम्प्लॉयज को अभी प्रीपेड सिम दे रहे थे, सो आप भी ये चेंज कर सकते हो, आप भी अपना टैक्स सेव कर सकते हो इस चीज से। तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो 76% पोस्टपेड यूजर थे उनकी मजबूरी है, उन्हें बिल चाहिए, इसलिए वो यहाँ पे पोस्टपेड कनेक्शन लेकर बैठे हैं। बट उन 24% यूजर्स का क्या, क्या उनके पास कुछ ज्यादा पैसा है जो महंगे रिचार्ज करा रहे हैं अपने? ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी पोस्टपेड सिम में आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं, अब उन्हें डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे मेजर बेनिफिट जो पोस्टपेड कनेक्शन को प्रीपेड कनेक्शन से सुपीरियर बनाता है वो ये है कि आपको प्रायोरिटी सर्विस देखने को मिलती है पोस्टपेड कनेक्शन में। अब मेरा कहने का क्या मतलब है, अब आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरे पास दो एयरटेल के सिम थे, एक था प्रीपेड एक था पोस्टपेड। अब मैंने जब प्रीपेड में स्पीड टेस्ट किया अपने घर में तो वहाँ पे स्पीड आ रही थी 30 Mbps के आसपास, जो कि अच्छी है। बट जब मैंने पोस्टपेड सिम में स्पीड टेस्ट किया सेम जगह सेम टाइम पे, तो मुझे 100 Mbps की स्पीड देखने को मिली। तो आप देख सकते हो सेम जगह सेम टाइम मुझे स्पीड ज़्यादा देखने को मिल रही थी। आपको पोस्टपेड कनेक्शन में कॉल ड्रॉप्स कम देखने को मिलेंगी, आपका कॉल जल्दी लगेगा। तो ये जो पोस्टपेड कनेक्शन में मुझे एक्स्ट्रा स्पीड देखने को मिली, इसके मैं दो रीज़न सोच पाया। सबसे पहला कि कंपनी मुझे प्रायोरिटी सर्विस दे रही है, जो मेरा पोस्टपेड सिम है उसमें अच्छे सिग्नल दे रही है। एंड सेकंड रीजन में ये सोच पाया कि यहाँ पे कम लोगों के पास पोस्टपेड कनेक्शन है तो आपको ट्रैफिक थोड़ा कम देखने को मिलता है नेटवर्क में, इसलिए आपको ज्यादा अच्छी इंटरनेट स्पीड अच्छी कॉलिंग देखने को मिलती है पोस्टपेड कनेक्शन। एंड बस नेटवर्क की ही बात नहीं है, अगर आप पोस्टपेड यूजर हो तो आपको कस्टमर केयर भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसका एग्जाम्पल है एयरटेल ब्लैक। अगर आप एयरटेल ब्लैक के यूजर हो तो जो आपके पास सिम है अगर आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो तो आपका कॉल वो जल्दी उठाते हैं, ऐसा एयरटेल खुद बोलता है। तो ऐसे आपको कंपनीज के कस्टमर केयर भी एक्स्ट्रा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये आपके डेली लाइफ में इतना काम नहीं आएगा, बट अगर आप जम्मू एंड कश्मीर घूमने गए तब आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे पोस्टपेड कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छे चलते हैं कंपेयर टू प्रीपेड कनेक्शन, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी के चलते गवर्नमेंट ने पोस्टपेड कनेक्शन की अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट, काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है पोस्टपेड कनेक्शन लेने में। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आप पोस्टपेड कनेक्शन में अपने आप अपना नंबर चूज कर सकते हो। जियो ने एक नया ऑफर निकाला है, 499 में आप अपना नया पोस्टपेड नंबर चूज कर सकते हो, अपने हिसाब से अपना नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। आप बोलोगे मैं प्रीपेड में भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट जो दुकान वाले के पास लिमिटेड नंबर होंगे आप वही सिलेक्ट कर सकते हो प्रीपेड कनेक्शन में। बट यहाँ पे पोस्टपेड में आप बोल सकते हो कि मुझे ऐसा ऐसा करके नंबर चाहिए एंड आपको वो नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये बड़ा मेजर बेनिफिट है, जैसे आप अपनी कार का नंबर कस्टमाइज कराते हो वैसे आप अपना मोबाइल नंबर भी कस्टमाइज करा सकते हो पोस्टपेड कनेक्शन में। अब नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं, पोस्टपेड कनेक्शन में आपको फैमिली प्लान्स देखने को मिल जाते हैं। सपोज आपकी एक फैमिली है, आप एक सिम लेते हो तो उसमें आप अपने एड ऑन सिम ऐड कर सकते हो एंड आपके एक ही रिचार्ज होगा, मतलब एक ही आप बिल पे करोगे एंड सबके उसमें आपका कॉलिंग आ जाएगी, नेट आ जाएगा,
सारे सर्विसेज मिल जाएंगे आप। तो आपको हर एक फैमिली मेंबर का सेपरेटली रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आपकी ये बहुत ज्यादा काम आ सकता है, क्योंकि फैमिलीज में ऐसा रहता है, सपोज मैंने अपना रिचार्ज कराया, नेक्स्ट 2 दिन बाद मेरे पापा का खत्म हो गया, मैंने उनका कराया, फिर मम्मी का खत्म हो गया 2 दिन बाद, फिर बहन का खत्म हो गया, फिर भाई का खत्म हो गया, ऐसे करके मैं पूरे महीने में रिचार्ज ही कराता रह जाता हूँ। सो इस कंडीशन में आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है पोस्टपेड कनेक्शन। एंड सपोज किसी फैमिली मेंबर का डाटा खत्म भी हो गया तो आप उसे इजीली ट्रांसफर कर सकते हो अपना डाटा। तो नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पे बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सिंपल है, बहुत लोगों को पता भी होगा कि पोस्टपेड कनेक्शन में आपको ओटीटी ऐप्स देखने को मिल जाती है, प्रीपेड कनेक्शन में भी होती है बट बहुत लिमिटेड होती है, बहुत कम होती है। पोस्टपेड कनेक्शन में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स सब देखने को मिल जाता है, तो ये काफी बड़ा बेनिफिट है, कई लोगों के लिए ये डिसीजन मेक कर सकता है। अगर आपको ओटीटी ऐप्स चाहिए अपने रिचार्ज के साथ तो आप पोस्टपेड कनेक्शन पिक कर सकते हो। अब नेक्स्ट बेनिफिट है डेटा रोल ओवर। सपोज आपके पास प्रीपेड सिम है, आपको डेटा मिला था, आपने वो खर्च नहीं कर पाए, आप बिजी थे उस दिन, तो क्या होगा, वो डाटा चला जाएगा। पोस्टपेड सिम में जो आपको मंथली डाटा मिला है, अगर आप वो यूज़ नहीं कर पाते तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में। सपोज आप नेक्स्ट मंथ ज़्यादा यूज़ करोगे, आपको कोई गेम्स डाउनलोड करनी है नेक्स्ट मंथ, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ आपको प्रीपेड कनेक्शन में देखने को नहीं मिलती, बस एक कंपनी है जो ये प्रोवाइड कर रही है, वो है वी। वी में आपको वीकेंड डाटा रोल ओवर देखने को मिल जाता है, अगर आप पूरे हफ्ते नेट यूज नहीं करते तो वो डाटा आपको हफ्ते के एंड में देखने को मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड पोस्टपेड कनेक्शन में आपको वीकेंड नहीं मंथली डाटा रोल ओवर मिलता है। अब नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं। सपोज जो आपको डाटा मिला था वो खत्म हो गया तो प्रीपेड कनेक्शन में क्या होगा, आपको बूस्टर पैक दिलाना पड़ेगा, बट पोस्टपेड कनेक्शन में क्या होगा, डाटा खत्म हो गया कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे 1 GB के 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे और आप फिर भी डाटा को यूज करते रह सकते हो। तो यहाँ पे ये काफी अच्छी बात है, आपका इंटरनेट चलना नहीं रुकेगा। प्रीपेड कनेक्शन में आपने बहुत बार देखा होगा आप कुछ चीज़ डाउनलोड कर रहे और वो बीच में रुक गई और आप फिर गए पेटीएम में आपकी स्पीड नहीं आ रही है क्योंकि डाटा खत्म हो चुका है, तो वहां जाकर आप बड़ी मुश्किल से अपना बूस्टर पैक दिलाते हो। ये सब चीज़ें आपको पोस्टपेड कनेक्शन में देखने को नहीं मिलती, कंपनी अपने आप ही आपके बिल में एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर देगी और आपको एक्स्ट्रा डाटा भी दे देगी बिना किसी इनकन्वीनियंस के। एंड अगर हम डाटा की बात कर ही रहे हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे पोस्टपेड कनेक्शन में लगता है वो ये है कि आपको बल्क में डाटा मिलता है, पूरे महीने के लिए डाटा मिलता है। प्रीपेड कनेक्शन में क्या चल रहा है आजकल, जब से जियो आया है जियो ने करा है कि आपको पर डे डाटा मिलेगा, पहले जियो ने करा फिर सारी कंपनीज ने उन्हें कॉपी कर लिया। अब हम देखते हैं जो भी प्रीपेड के रिचार्ज हैं वो पर डे होते हैं, सपोज मैं किसी दिन बिजी हूँ तो वो डाटा गया, वो वेस्ट हो गया एकदम डाटा, वो कंपनी के प्रॉफिट में गया, मैं उसे यूज़ नहीं कर सकता। पोस्टपेड कनेक्शन में ऐसा नहीं होता, अगर मुझे किसी दिन ज़्यादा डाटा की ज़रूरत है मुझे बल्क में डाटा मिल जाएगा, अगर किसी दिन नहीं है तो वो फिर भी मेरे पास रहेगा। अब कुछ कंपनीज का प्लान है जिसमें आपको प्रीपेड में भी आपको बल्क में डाटा मिल जाता है, BSNL है एक, अब इसकी क्या ही बात करनी है, अगर आपके सिग्नल अच्छे आते हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। एंड एक जियो है, जियो में आपको एक प्लान देखने को मिलता है जिसमें आपको बल्क में डाटा देखने को मिल जाता है। अगर हम BSNL की बात करें तो BSNL में आपको इतना बल्क में डाटा नहीं मिलता। सपोज़ जब मेरे घर में फाइबर नहीं था, जब मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था तब मुझे डाटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, तब प्रीपेड में कोई भी प्लान नहीं था जो मेरे मतलब का था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पोस्टपेड साइड में आपको एयरटेल का एक प्लान देखने को मिलता है जिसमें आपको 500 GB देखने को मिल जाता है, वी के 2 प्लान है जिसमें आपको अनलिमिटेड डाटा देखने को मिल जाता है पोस्टपेड कनेक्शन में, तो उन यूज़र्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आपके एरिया में अभी तक फाइबर नहीं आया है तो आप ज़रूर से पोस्टपेड कनेक्शन ट्राई कर सकते हो, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बट आपको बल्क में डाटा देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बेनिफिट, आपको कोई भी अनॉइंग मैसेज नहीं आते कंपनी की तरफ से कि भाई रिचार्ज कराओ, रिचार्ज खत्म होने वाला है, 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, इतना इरिटेट कर देते हैं प्रीपेड सिम में ये कंपनी वाले, मुझे पता है मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला है बट नहीं, कॉल करूंगा उससे पहले बोलेंगे रिचार्ज खत्म होने वाला है, मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे। पोस्टपेड सिम में आपको ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती क्योंकि पोस्टपेड में आपको बिल आता है, कंपनी आपको बिल दे देती है और आपका जो कनेक्शन है वो चलता रहता है। पोस्टपेड कनेक्शन में ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट चीज़ है, अगर आप इस चीज़ से इरिटेट हो चुके हो तो यू कैन स्विच टू पोस्टपेड। अब एक लास्ट बेनिफिट है, अब हम उसे बेनिफिट भी नहीं बोल सकते बट है तो है, कि आपको पोस्टपेड कनेक्शन में जो प्लान्स होते हैं ना उनमें प्राइस हाइक बहुत कम देखने को मिलता है। प्रीपेड में आप देखोगे हर 2 महीने में कोई ना कोई कंपनी प्राइस हाइक कर रही है, पोस्टपेड में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, सेम कंपनी पोस्टपेड में प्लान्स को हाइक नहीं करेगी। आपने जो कनेक्शन लिया है वो सालों साल आपका वही रहेगा, आपको कोई भी उसमें प्राइस हाइक देखने को नहीं मिलेगा। सो ये भी एक बेनिफिट है जो हमें कंसीडर करके चलना चाहिए। अब मेरे दिमाग में यही सारे बेनिफिट्स आए, अगर मैंने कोई बेनिफिट छोड़ दिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अब इस वीडियो का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, ये जो मैंने आपको सारे प्लान्स बताए क्या ये जस्टिफाई करते हैं पोस्टपेड प्लान्स के प्राइस को? अकॉर्डिंग टू मी पोस्टपेड कनेक्शन इज मोर ऑफ अ लग्जरी देन अ नेसेसिटी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो। जय हिंद।